बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव में तीन दबंगों ने एक महिला को उस वक्त अपनी हवस का शिकार बना लिया जब पीड़िता घर में अकेली थी। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, जबकि पीड़िता ने अपने पिता के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। घटना के वक्त पीड़िता के पति समेत परिवार के सभी सदस्य शादी में शिरकत करने गए हुए थे। इसी दौरान तीनों आरोपियों ने पीड़िता से बारी बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार की तहरीर पर सिकंदराबाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवाया गया है। सीओ सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। कोतवाली जो आई हो, किस लिए आई हो कोतवाली में, क्या हुआ है? वे तीन जने हैं, तीन जनों ने ग्राम में सोचा क्या गंदा काम किया? हाँ। कौन लोग हैं? एक तो नज्जर है, एक लीलू है, एक राहुल नाम था। तो कहाँ थी तुम, क्या हुआ था, कहाँ थी उस वक्त तुम? गाँव बताओ। कैसे, क्या हुआ था? रुपट्टा फंसा दिया मेरे मुंह में जब करा था। तीन लोगों ने गंदा काम किया। हाँ। तो पुलिस को बता दिया तुमने? बता दिया पुलिस को भी हमने। आप जो कोतवाली आए हैं आज, जी किस लिए आए हैं, क्या हुआ है आपके बच्ची के साथ? हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है। हम जो है यहाँ से वो विश्वास की वजह से आए हैं कि साहब हमें इंसाफ मिले, इंसाफ के लिए आए हैं। कितने लोग थे, क्या हुआ था, क्या बताया आपकी बच्ची ने आपको? तीन आदमी बताए, तीन लड़के। अच्छा। तीन लड़के बताए हैं और वो वहीं के ही हैं। क्या बच्ची ने क्या बताया था, कैसे घटना को अंजाम दिया आरोपियों ने? आरोपियों ने कि वो घर के तो मौत में गए हुए हैं, यही थी अकेली वहाँ, तो जब जो अकेली को जो है उन्होंने ये अंजाम दिया जो है, तीन ने जो इसके साथ वो करी जबरदस्ती से, बच्ची के साथ। बच्ची के साथ अभी पुलिस ने किया कोई गिरफ्तार? गिरफ्तार देखो साहब आए हैं, अभी कोई पता नहीं गिरफ्तारी का। R9 भारत के लिए सुजीत शर्मा की रिपोर्ट, बुलंदशहर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से। आपको बता दें कि गांव में पेड़ पर लटका मिला मजदूर का शव। बीती रात से गायब था अधेड़ मजदूर। हत्या या आत्महत्या अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि कन्नौज के महमूदपुर बीजा गांव का मामला है।